और हेलो रेस्टोरेंट, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो है ये हमारी। ये वीडियो जो है, जो बच्चे अच्छे से लिख के आते हैं तभी उनके नंबर कट जाते हैं, अच्छे से कोई भर के आएंगे तभी उनके नंबर कट रहे हैं। बच्चों, तो ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ में, और आप लोगों का मतलब कि आप लोग नंबर कैसे मिलने अच्छे, ये चीज़ आपको हम यहाँ शेयर करेंगे। और आप लोग कॉपी कैसे भरनी है, क्योंकि है ना, एग्ज़ाम में जो होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो होता है, कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं अच्छे। ये नहीं है कि आपने अगर एक क्वेश्चन, अब वहाँ पर आपने अच्छे से एक क्वेश्चन लिख के आए हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को छोटी सी जगह में लिख के आए तो वहाँ पर आपको नंबर थोड़े ना कट जाएंगे, चाहे आप पूरा का पूरा अच्छे से कॉपी कर दें तभी आपके नंबर कट जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि थोड़ा है ना, बाकी कॉपी का एरिया चाहिए। तो क्यों, इसका जो कारण क्या है, इस बात को थोड़ा फैक्चुअली समझिए। अगर एक बात आइए, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, ओके, आप लोग है ना, जैसे ही आपका पहला एग्जाम होगा, पहली बैल लगेगी, जब बैल लगी आपके पास पेपर आएगा, पेपर आया, आप लोग पेपर देखा, आप लोग है ना, आप लोग है ना पहले क्वेश्चन को बड़ा सजा करेंगे, बहुत ही स्लो स्लो लिखेंगे, बढ़िया राइटिंग लिखेंगे, पेन बड़ा स्टाइल से उठाएंगे, स्टाइल से करेंगे। और जैसे ही आपका, मान लीजिए अगर आपका आध घंटे में, एक घंटे में एक दो ही क्वेश्चन हो पाए हैं, तब आप लोग देखेंगे अरे अभी तो पूरा पेपर रह गया, अभी दो क्वेश्चन हो पाए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग निकालेंगे पेन, और पेन के निकालेंगे क्या, बहुत तब आप फिर तबियत से लिखने शुरू कर देंगे, फिर ना आपको समझ में आ रहा सही से, ना सर को समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज़ सरकार होती है भाई, जो जो टीचर लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में करते हैं, ऐसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग कॉपी होती है 5-10 कॉपी है ना, बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नए आए हैं, ताज़ा आए हैं, और है ना बिल्कुल बिल्कुल अभी कॉपी पे, अभी कॉपी चेक करने के लिए बैठे बैठे हैं, तो है ना बहुत ही अच्छे से कॉपी चेक करेंगे आप लोगों की, जो जो नए बच्चे हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए अगर 30 बच्चे हैं, 30 कॉपी उनके पास रखी हुई है, ओके, 30 कॉपी अगर 30 रखी हुई है, तो 5-10 कॉपी से स्टार्टिंग चेक करेंगे अच्छे से। फिर जैसे ही उनका माइंड थोड़ा 1-1.5 घंटे उस कॉपी में बीता, फिर लगता है क्या, फिर बोलो है ना उसी स्पीड से कॉपी चेक करते हैं जैसा उनका है ना, जैसे उनको करना है। तो क्या कि उनके पास देखो एक क्वेश्चन पेपर उनके पास आता है, आपको आपको जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है वही पेपर उनके पास आता है पहले से ही, जहाँ वो चेक करते हैं कॉपी के लिए, तो उसी आधार पर वो चेक करते हैं कि हाँ ये 80 नंबर का है, देखते हैं 80 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, तो गिनते नहीं है, वो एक आंकड़ा लगाते हैं, वो एक आंकड़ा लगाते हैं कि 80 नंबर का क्वेश्चन है, वो टीचर है भाई, उनको एक्सपीरियंस है चीज़ का, वो देखते हैं कि हाँ 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 बर्ड का, सॉरी 80 बर्ड का जो क्वेश्चन है वो इतनी जगह में आएगा। और आप लोग है ना छोटे छोटे लिख के, या फिर मतलब कुछ कुछ और राइटिंग लिख के आप लोग उसको है ना 3 लाइन पढ़ देते हैं, जबकि उसका उसका जो एरिया, उसको जो एरिया कवर करना है आपको कम से कम है ना 8 में आता है, तो आपको कम से कम आपको 10 में लिखना है कम से कम उसी क्वेश्चन को, तब आपको लगेगा, टीचर को लगेगा कि हाँ इसको अच्छे से याद है, चाहे आप उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर लीजिए, लेकिन वो टीचर को लगना चाहिए यहाँ इसने पूरा लाइन भरा है, पूरा एक क्वेश्चन की डिमांड पूरी करी है, अगर 80 वर्ड हैं तो उसने 80 पूरे वर्ड लिखे हैं, ओके। तो वो चीज़ तैयार होनी चाहिए आपकी, है ना, पहले फंड आपकी तैयार होनी चाहिए। और दूसरी जगह आप जानते हो, आप जो लिख रहे हैं उसको तरीके से लिखिए, ये नहीं कि आप लोग है ना उल्टी से लिखे पड़े हैं, वो चीज़ नहीं। और मैं चाहता हूँ क्या कि देखो टीचर जो है, मैंने आपसे देखो पहले भी कहा था इस वीडियो में, और तो इस वीडियो में फिर से शेयर कर रहा हूँ, टीचर को जो है वहाँ पर ये नहीं है कि हम मतलब टीचर कॉपी गिन, मतलब टीचर कॉपी गिन के मिलती है, वहाँ टीच वहाँ पर कॉपियों के बंडल रखे जाते हैं पूरे पूरे, ऐसे मान लीजिए पूरा भंडार रखा था कॉपियों का, ओके, तो वो लोग कॉपियाँ चेक करते हैं, तो उनको है ना वो जितनी कॉपी चेक कर देंगे उतने उनको पैसे मिलते हैं, ओके, एक कॉपी शायद 7 या 8 या 12 रुपये के आसपास कुछ ऐसे ही कुछ मिलता है ना। तो ये तो है ना, अब मान लीजिए कि है ना, अब ये बताइए अगर वो टीचर 10 कॉपी चेक करेगा सिर्फ और सिर्फ, तो उसको कितने रुपये बनेंगे, मुश्किल से 12 रुपये, अगर तुम है ना 1200 गुणा करो कितने बनेंगे, 120 बनेंगे, है ना, 12 से 120, तो वही चीज़ है। तो भाई वो इतने क्यों चेक करेगा वो, है ना भाई, एक बताओ अगर देखो हम टीचर हैं, अगर मान लीजिए कि हम हैं या आप लोग हैं, तो आपको सोचिए कि है ना हम अधिक से अधिक, अगर हम अधिक से अधिक काम करेंगे तभी तो मतलब कि ज़्यादा पैसा मिलेगा हमें, तो वही चीज़ वो टीचर लोग करते हैं कि भाई उनको है ना वो कॉपी चेक करनी है, और अधिक कॉपी भी चेक करनी है, मतलब कॉपी अच्छे से चेक करनी है कि बच्चों को नंबर सही से मिल जाए, और एक और मतलब कि एक संख्या में कॉपी उठानी है कम से कम, है ना, कम से कम उनका जो आज बैठे हैं कॉपी चेक करने के लिए उससे कम से कम उनको पैसा तो अच्छा मिल जाए कम से कम। तो वही चीज़ वो टीचर करते हैं, इस चक्कर से उन जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं ना अच्छे से लिख के आते हैं, और बच्चे हैं ना जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो बच्चे अच्छे से लिख के आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल कि बिल्कुल ही कॉपी करके आते हैं, वहाँ पर जो आपने याद किया बिल्कुल परफेक्ट लिख के आएंगे, लेकिन क्या होता है आप लोग छोटी जगह लिख के आते हैं, छोटे में लिख के आएंगे वहाँ पर आप लोग नंबर कट जाते हैं, क्यों, क्योंकि टीचर जानता है कि 80 वर्ड का क्वेश्चन है, कम से कम ये 80 वर्ड का क्वेश्चन कम से कम है, कम से कम ये 10 लाइन में आएगा, कम से कम एक पेज में आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग उसको आधे पेज में कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है, फिर आपको नंबर वहाँ कटिंग होती थी, फिर आप लोग कहते हैं कि नंबर वहाँ नंबर हमारे क्यों कट रहे हैं, ओके। तो आपको मेन पॉइंट आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग है ना, आप लोग जो है ना, तो वही पॉइंट हमारे यहाँ डिस्कस होगा कि हमें कॉपी को कैसे सही से भरना है, और आप लोग है ना अधिक मतलब कि मान लीजिए अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है आपका, तो आप भी उसमें कम से कम 2 पेज भर देंगे, फिर सुनिए आप लोग चौंक गए होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया है तो उससे भी आप लोग 2 पेज भर देंगे, कैसे, तो वही चीज़ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट हैं, जिस तरीके से आप लोग है ना, आप लोग है ना ए नहीं, आप लोग ए कॉपी भर देंगे लेकिन बी भर देंगे कॉपी, और संग में सी को भी ले लेंगे, इस आज हम उस तरीकों को यहाँ आज हम बताएंगे आप लोगों को, क्लियर। तो आज है ना, तो वीडियो करते हैं शुरू, और ये लिखा हुआ है कैसे, ओके, ये कैसे लिखा हुआ है आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ऊपर हो गया तो उसको नीचे कर देते हैं, कैसे, तो देखो कैसे कॉपी भरें और कैसे बी और सी कॉपी लें, कैसे बी और सी कॉपी ली, ओके।
और कैसे, एक चीज और है यहाँ पर, और कैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन से कैसे शॉर्ट क्वेश्चन से हम 2 पेज भरे, ये भी आप लोग बच्चे चौंक गए होंगे भाई। ये है देखो, जितना आप कॉपी भर देंगे उतना आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? देखो टीचर लगेगा कि हाँ इसने, और है ना कि हाँ इतने अच्छा भरा हो, कॉपी भरी अच्छी, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन क्या है, आप लोग करना क्या, जो देखो क्वेश्चन की डिमांड, आप जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड हैं, क्वेश्चन में जो कीवर्ड होते हैं उसका वो पहचान होना चाहिए, कि आप लोग क्वेश्चन जब याद कर रहे हैं ना तो आपको क्वेश्चन की तरीका आपको होना चाहिए। तो मैं जो कीवर्ड वाला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन हमें कैसे कीवर्ड लिखना है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आपको ये पॉइंट डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। क्योंकि ना अगर इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी को कैसे भरें और कॉपी से है ना हम कैसे कॉपी को अच्छी तरीके से करें जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल जाए, तो वो उसका आज वीडियो एम है। और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि है ना कीवर्ड क्या होते हैं और परसेंटेज कैसे बढ़ेगी। क्लियर? तो क्या है आज हमारा पॉइंट जो है हमारे, तो क्या देखो पहली चीज़ क्या होती है, डायग्राम। ओके, डायग्राम जो होते हैं हमारे, कि डायग्राम जो है वो कैसे बनाए, जानते क्या डायग्राम मतलब कि चित्र, ऐसा समझ लीजिए। ओके, आप लोग समझ लीजिए चित्र। एक बात बताइए, इस पॉइंट को पढ़ते हैं डिस्कस हम, पहले देखिए नज़र आ ही रहा है वैसे ही, हाँ चलो ठीक है। ओके, चित्र जो है आप लोग इसको इसको ऐसे बनाइए जिससे कि टीचर को कॉपी देखते ही नंबर देने का दिल कर जाए, है ना। अब एक बात आइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को देखो 20-30 कॉपियाँ हैं, एक बात आइए, एक बात इससे वाले से कर दूँ, अगर 50 बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मास्टर माइंड मॉडल से पढ़ते हैं ज़्यादातर, अधिकांश बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं बच्चों बच्चों, क्योंकि देखो अधिकांश बच्चे हैं किसे पढ़ते हैं, मास्टर माइंड मॉडल से। ओके, क्योंकि उन्हें कोर्स तैयार नहीं होता और वो है ना अधिकांश देखो यहाँ से क्वेश्चन फंसता है ज़्यादातर, तो देखो उन्हें नोट्स जो देखो जो बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं जिनके नोट्स तैयार हैं वो बच्चे अलग होते हैं, लेकिन है ना अधिकांश बच्चे जाना, देखो वो बच्चे अलग पढ़ रहे हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं इससे उनकी बात कर रहा हूँ। एक बात आइए, मास्टर माइंड मॉडल से बच्चे 65 बच्चे पढ़ के आए हैं, एक थोड़ा आइडिया लगाइए आप लोग कि मैं क्या चीज़ आपको समझाना यहाँ चाह रहा हूँ। ओके, आज की हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ की क्लास है, 50 बच्चे ने किससे मास्टर मॉडल से तैयार किया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वही आएंगे जो आप लोग लिख के आएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप लोग लिख के आएंगे, लिख के कहाँ से आएंगे, जो अपने आपने याद किया है, आपने कहाँ से किया है, मास्टर माइंड मॉडल से, ठीक है। अब देखो जी ये बच्चों ने भी, ये बच्चों ने क्वेश्चन भी यहाँ से किए हैं, तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो सेम ही होंगे, है ना भाई। देखो इनने तो आप देखो इन इन सब लोगों ने 50 बच्चों ने क्वेश्चन तो यहाँ से किए हैं, तो क्वेश्चन सेम तो होंगे। अब एक बात, ये अगर लोकतंत्र पर या कोई भी लॉन्ग आंसर आ गया इंग्लिश में, है ना कोई भी चीज़ आ गया, साइंस में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग लिख के तो देखो 50 बच्चे हैं वो सब लोग है ना उसी याद करके आएंगे वो क्वेश्चन के लिए, लेकिन हाँ आप लोग देखेंगे कि कुछ बच्चों के नंबर सेम नहीं आते हैं, कोई अच्छा है ना कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसी कम आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना लेकिन पढ़ के तो यहीं से आ रहे हैं सब लोग बच्चे, लेकिन वही गलती है ना, देखो वो चीज़ कहाँ हो रही है, किसी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के नंबर ज़्यादा पहुँच गए, किसी कम पहुँच गए, और किसी की बिल्कुल नेक रह गए नंबर, तो वो चीज़ ये चीज़ कहाँ बढ़ रहा है नंबर, ये चीज़ कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है नंबर, तो वो तरीका कैसे होता है, तो वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि है ना आप लोग जब कंटिन्यू पढ़ते हैं एक मॉडल से, तो आप सभी नंबर जब एक मॉडल से पढ़ रहे हैं तो सबके नंबर सेम क्यों नहीं आ रहे हैं, सेम आने चाहिए, तो कायदा वाली बात होती है कि भाई एक ही हम लोग एक ही उस पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं वही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग नंबर कैसे अलग लेके आते हैं बच्चे, है ना आपने देखा होगा कि आपके दोस्त लोग हैं और आपने भी उस मॉडल से पढ़ा है और उनने भी उस मॉडल से पढ़ा है, लेकिन उनके नंबर अच्छे आएंगे आपके नंबर नहीं अच्छे नहीं आएंगे, तो वही चीज़ वो लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा, वो लोग क्या करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो आपको समझ आ गई पॉइंट वाला, तो अगला जो हमारा अब देखिए जरा कि चित्र वाला क्या सीन है। देखो थोड़ी ये वीडियो थोड़ी सभी थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसमें हम सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखो हमारा काम मेन चीज़ क्या है कि हम है ना आप वीडियो को लॉन्ग इसलिए कर देते हैं क्योंकि है ना देखो जहाँ तक हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे हम वहाँ तक रखते हैं, ये नहीं कि है ना हम थोड़ा सा पॉइंट क्लियर किया और अपना आपको वीडियो डाल दी, ये नहीं, हमें सारे पॉइंट क्लियर करने होते हैं, चाहे वीडियो थोड़ा सा मतलब आप लोग देख लेंगे तो आपको थोड़ा देखो आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा, लेकिन है ना हम वीडियो बिल्कुल छोड़ते नहीं है, कोई पॉइंट हम छोड़ते नहीं है। ओके, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, बस वीडियो समझें। अब देखिए जरा चित्र, देखो चित्र में क्या होता है, एक बात आइए जो कॉपी है आपकी, ओके ये कॉपी है और ये इसका नेक्स्ट पेज है। ओके थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कर देते हैं, ये इसका नेक्स्ट पेज है, क्लियर। तो देखिए अब एक बात आइए, अगर आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन सर आया, एक शॉर्ट आंसर आया एग्जाम में, तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ हेडिंग डाला और यहाँ डाले हेडिंग और यहाँ डाला, तो ये क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ तक कर दिया कवर बस। लेकिन तरीका एक ये भी है कि आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन इस शॉर्ट आंसर को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग इसको 2 पेज में लिख सकते हैं। एक बात बताइए, कोई भी शॉर्ट आंसर आ रहा है, मान लीजिए SST है, साइंस बात कर रहा हूँ SST में और साइंस में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में देखो बात नहीं कर रहा अभी मैं, देखो इंग्लिश में हाँ तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ SST और साइंस से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, इसलिए मैं इन मॉडल को लेकर बात कर रहा हूँ। देखो अगर अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि
क्लियर। और आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन किया है उसमें तीन टॉपिक आपने दिए हैं, आपको तीन टॉपिक आपने करने ही करने हैं उसमें। तो आपने जो तीन टॉपिक आपने आपने जो किए हैं वो तीन टॉपिक आपको ऐसे नहीं करने हैं। कहते क्यों, ये चीज़ सुन ली, टीचर लोग जो होते हैं वो कॉपियों को चेक करते करते बोर हो जाते हैं। और ऐसे मान लीजिए अगर 30 कॉपी उन्होंने चेक कर ली उसके बाद में वो बोर हो जाएंगे, फिर आपके पास 3100 नंबर की कॉपी जो है, चाहे कॉपी वो टॉपर की क्यों ना हो, अगर सेम तरीके अगर लिखावट से लिखा हुआ है तो नंबर उसको है नंबर उसको वैसे ही मिलेंगे जैसे भी तो जैसे उनको माइंड चल रहा है। ओके, लेकिन क्या है, तो वही बात कर रहा हूँ कि है ना, टीचर लोगों से कॉपी आपको चेक करवानी है ज़बरदस्ती कि सर मेरी कॉपी चेक कीजिए कि मुझे नंबर चाहिए कि मैं लिख के आ रहा हूँ। ओके, क्योंकि एक समय टीचर लोग बोर हो जाते हैं तो नंबर वहाँ कम है ना, फिर उसका नंबर वहाँ कटने लगते हैं। तो भाई जो बता रहा हूँ कि है ना, ये गलती आप लोग ना करें, क्लियर। तो आप लोग है ना टीचर्स को कॉपी चेक करवाएंगे, तो वही तरीका से है ना, तो वही तरीका शेयर कर रहा हूँ कि टीचर्स को कॉपी हम कैसे ज़बरदस्ती चेक करवाएं कि आप चेक आप कॉपी चेक कीजिए, आप बोर मत होइए, तो उनको इंटरेस्ट लगाना कैसे करके, आप सुनिए ज़रा। ये आप लोगों ने आपका यहाँ किया तो कैसे करना है, इसको इसको कैसे करना है एक बात बताइए। ये है आपको शॉर्ट आंसर आपका आया है, शॉर्ट आंसर आपका एक आ चुका है जिसमें आपके तीन पॉइंट हैं। ओके, आपके तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं यहाँ पर। आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग एक बनाएंगे ऐसे, एक बनाएंगे ऐसे, तो चाहे इसको तो पांच तरीके हैं, आप लोग जो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं कॉपी पर। ओके, फिर आप लोग कैसे करेंगे, इसका जो है इस टाइप से, ओके इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं इसको। इससे क्या क्या हुआ, आपके जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, वो पॉइंट का जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दीजिए, दो पॉइंट यहाँ, तीन पॉइंट यहाँ, ऐसे कर दीजिए। इससे क्या हुआ, इससे आपका एक पेज आपको भर जाएगा ये वाला, है ना। लेकिन क्या है बच्चों, अभी तो आपका शॉर्ट आंसर या स्टार्ट भी नहीं हुआ है लिखना, आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो तीन मेन पॉइंट हैं। ओके, अब आप ये क्यों लिख रहे हैं जानते हो, अब टीचर हो गया बोर, वो है ना वो पढ़ते 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 अब है ना बोर हो गया। अब जब जब उसको आपकी कॉपी में, आपकी कॉपी जैसे मान लीजिए उसने 30 कॉपी उसने चेक कर दी कंटिन्यू, सेम लिखा होता है, सेम बच्चे मॉडल से लिखते हैं, तो चेक करते हैं ना टीचर बोर हो जाता है कंटिन्यू चेक करते रहते, तो है ना टीचर सोचता है कि आगे कॉपी है ना उसी उसी से है ना, मतलब ऐसी कॉपी आ रही है सब लोगों की, तो है ना उसी एडिस कॉपी चेक करता और नंबर टीचर जो है वैसे ही देता है। ओके, तो अब देखो 30 कॉपी उसने चेक कर दी आराम से मस्त तरीके से, 31 कॉपी आएगी तो है ना, जब तो है ना अब ऐसा लीजिए आप ये कॉपी टॉपर की है किसी, ये बच्चे ने है ना इस बच्चे ने अच्छे से लिखा है, तब इसके नंबर कम आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि टीचर यहाँ तक है ना बोर हो चुका है, 30 कॉपी तक यहाँ तक बोर हो चुका है अब है ना, क्यों और उसने लिखा ही सिर्फ और सिर्फ, तो है ना इसके नंबर भी 31 नंबर के नंबर भी बेकार आएंगे। क्यों, क्योंकि है ना क्योंकि टीचर भाई बोर हो चुका है, अब उसको इंटरेस्ट के लिए हमने क्या किया, ये चित्र दिखाया हमने भाई। अब वो देखो अब जैसे वो चित्र देखेगा तो है ना, देखो पहले वो यहाँ देखेगा एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, तो अंदर क्या हो रहा है अभी बताइए। और आपने देखा कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इससे क्या हुआ, माइंड को थोड़ा शांति मिलेगी, थोड़ा माइंड रुकेगा, एक नंबर आपने जब अब उसको समझेगा इसको, ठीक है फिर इसको समझेगा, फिर ये तीन नंबर, इससे क्या होगा उसका माइंड थोड़ा शांत होगा है ना, फिर वो सोचेगा कि हाँ सॉरी तो उसको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने वो एक्स्ट्रा किया है, तो वो नंबर आपको देगा फिर आपको कि हाँ भाई उसने अच्छा भी किया है और पेज भी अच्छे से भरा हुआ है बच्चे, है ना। तो क्या टीचर को तो कॉपी चेक करने में थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा आपकी कॉपी पर, आपको टीचर को अपनी कॉपी पर रोकना है समझे, तो टीचर आपकी कॉपी पर देखो कैसे रुकेगा, है ना। तो वही तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ओके क्योंकि है ना यहाँ तक तो उसने कॉपी है ना वो रुकता ही नहीं भाई, देखो सेम लिखा हुआ है ना। ऐसे मान लीजिए कि अगर लोकतंत्र पर है ना एक क्वेश्चन आ गया, तो भाई क्वेश्चन है ना तो सब करेंगे लोकतंत्र पर, तो देखो सेम लिखेंगे कुछ ना कुछ सेम करते रहेंगे, तो भाई ना है वो समझ जाएगा, देखो उसने एक कॉपी चेक की अच्छे नंबर दे देगा, फिर दूसरी की सोचेगा अरे सेम लिखा है, फिर अगली कॉपी चेक की फिर सेम लिखा है, तो पाँच छः है ना कॉपी चेक करने बाद उसको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये सेम लिखा हुआ है, फिर है ना फिर वो आगे कॉपी है ना उसी सिक्वेंस से चेक करता रहेगा उसी रफ्तार से कि हाँ बस यही चल रहा है। लेकिन तो क्या है वो टीचर रुकेगा नहीं, तो आपको ऐसे रोकना चित्र बना बना के, डायग्राम बना बना के, ये बोलते डायग्राम बना बना के चित्र बना बना के आपको रोकना है टीचर को। ओके, ऐसे एक योग के डायग्राम ऐसे क्या है, अगला मान लीजिए आपको ऐसे कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया मेन डायग्राम, आपको जिसको आपको जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आपका आया है उसका टॉपिक लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर मेन टॉपिक कि आंसर में आपका ये टॉपिक चल रहा है। ओके, फिर क्या है उसके जो है उसको मान लीजिए आपके तीन पॉइंट हैं, तो तीन पॉइंटों को यहाँ पर बना दीजिए। ओके, तीन पॉइंटों को बच्चों यहाँ पर बना दीजिए, जिससे कि आपका जो है
आपका इससे भी आपका एक पेज भर जाएगा। अब बात देखिए कहाँ कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट क्वेश्चन अभी अभी चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से इस तरीके से आपको एक पेज आपको भर जाएगा। फिर क्या है, फिर जो आपका जैसे आपका मान लीजिए अगला पेज है, अगले पेज पर क्या करेंगे, जो आप लोग यहाँ करते थे 3 पॉइंट में, आप लोग यहाँ लिखा, यहाँ भर दिया, वही काम आप लोग यहाँ करेंगे। आप पॉइंट लिखा, एक पॉइंट लिख दिया, उसका यहाँ लिखना शुरू कर दिया, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना शुरू कर दिए, 3 पॉइंट फिर लिखना शुरू कर दिए। अब कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है, कैसे गैपिंग करनी है ना, कैसे कहते है ना कि मतलब कि दो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे कि बह घर तो क्या है जाता है, ऐसे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है सेंटेंस, मतलब आपको लिखना कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये गैपिंग देखनी है और ये बीच की गैपिंग देखनी है, इन 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 जो अक्षरों के बीच की गैपिंग है उनको देखना है, और ये शब्दों के बीच की गैपिंग है इनको भी देखना है, ओके। अक्षर की गैपिंग और शब्दों की गैपिंग को आप लोगों को देखना होगा। इसकी मैंने वीडियो बना दी है, अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा कि हमें कैसे लिखना है, हमें पेन कैसे रखना है, बॉल वीडियो है कि पेन हमें सही से रखना होगा, वो है वही, आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आईडी वाला शेयर किया गैपिंग वाला, कैसे हमें क्वेश्चन को लिखना है, ओके। तो फिलहाल जो है ये वाला है, तो आप लिए आप लोगों ने क्या, एक पेज आपका यहाँ भर जाएगा, एक पेज आपका यहाँ भर जाएगा, भाई आपको 2 पेज आपके भर गए, है ना। तो टीचर समझेगा भाई हाँ इसने बहुत अच्छे से लिखा है और समझ में आ गया, बात इसकी पूरी क्लियर भी हो गई, भाई इसने चित्र बना दिया हाँ सामने, और बात अभी पूरी रख भी दी, और बात इसने क्वेश्चन भी, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो इसने पूरी कर दी। अब बताइए इसमें आपको जगह कहाँ लगेगी, एक इसको बनाने में कहाँ दिक्कत लगेगी, बस जल्दी है ना पेन लेना, इसको जल्दी कर देना सर के, और जल्दी लिख देना इसको, और थोड़ी सी बस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ये लग रहा है तो गोल बना देना, ये है ना सर, गोले बना देना, इसी के आपको हो जाएगा, वो 2 पेज भर गए। इस तरीके आप लोग बच्चों बी से नहीं, आप लोग ए नहीं, बी और सी कॉपी ले सकते हैं आप लोग इस तरीके से, और है ना। और टीचर रहेगा कि हाँ बच्चे ने हर क्वेश्चन का बिल्कुल जो मतलब जितने पेज भरने हैं क्वेश्चन में उतने पेज में बच्चा भर रहा है, तो वो है तो आपको वो अच्छा नंबर देगा, और बच्चों इसी चीज़ गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो परसेंट है बच्चों वो अच्छी आएगी, ओके बच्चों आपको जो परसेंट है वो अच्छी ही आएगी, क्लियर बच्चों, क्योंकि इससे जो है परसेंट अच्छी आएगी आप लोगों की, ओके। अगला जो है ठीक है, इस तरीके से आपको हो गया, अगला जो पॉइंट है तो क्या है देख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को, चलो ठीक है। हाँ तो आप ऐसा कर लीजिए आप लोग, और एक पॉइंट हाँ क्लियर हो चुका है इसका डायग्राम का, कि आपको चित्र बनाए बनाने, अब देखो आप लोग को चित्र कौन कौन से प्रकार के बनाने हैं, ओके, आप लोग चित्र कौन कौन से प्रकार के बनाने हैं, क्लियर। थोड़ा हम चित्र पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा हम चित्रों पर डायग्राम पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। देखो पहला जो आज डायग्राम था वो ये वाला था, चाहे आपका देखो लॉन्ग आंसर भी आ रहा है तभी आपको ऐसे करना है, आपके लॉन्ग आंसर में आपके वाले 6 टॉपिक हैं तो ऐसे करना है आपको, इससे क्या होगा आपका पेज एक पेज कम से भर जाएगा एक लॉन्ग आंसर में, और डिज़ाइन भर जाएगा, भाई एक पेज भर रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है पेज भरने की, क्योंकि है ना एग्जाम में पेज भरने की बहुत वैल्यू है, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आप लोग चाहे कोई भी क्वेश्चन कितने अच्छे से लिख के आइए, लेकिन अगर आपने पेज नहीं भरे हैं तो आपको वो है टीचर सोचेगा कि आपको अच्छे से मतलब वो डिमांड नहीं है, ओके। तो इसलिए आप लोग जो क्या आप मान लीजिए यहाँ पर आपके टॉपिक हैं, तो 1 2 3 4 5 छः, ओके, ऐसा आपका 6 आपको कोई लॉन्ग है, आप लॉन्ग का यहाँ टॉपिक लिखिए, आंसर लिख के लॉन्ग का टॉपिक यहाँ लिख दीजिए, फिर आप लोग इसको लिख इसको जो मतलब जो जो आपका आंसर जो आप लिख रहे हैं, एक नंबर आंसर है, 3 नंबर आंसर, जो भी आंसर है आपको उसको लिख के उसके टॉपिक जो है आपने याद किए, जो टॉपिक आपने याद किए हैं वो आप उसको यहाँ लिख दीजिए, है ना। फिर उसके बाद में अगले पेज पर आप लोग क्या करें, इन टॉपिकों को टॉपिक लिखें, एक नंबर टॉपिक लिखे आए पेज के बाहर, एक नंबर टॉपिक लिखें, और इसका जो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ लिखा उस पर कर दें अंडरलाइन, और यहाँ से कर दें ऐसे करके और शुरू कर दें, और वो जो लिखने का तरीका है वो आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग यहाँ करें ऐसे करके, तो इससे अच्छा क्या होगा आपके लगभग 3 पेज भर जाएंगे आपके, जहाँ आपके 2 पेज भर रहे थे, जहाँ आपके 2 या 1.5 पेज भर रहे थे वहाँ आपके 3 पेज भर जाएंगे कम से कम एक लॉन्ग में, ओके। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर, इस तरीके आपको ये हो गया। अगला क्या है, डायग्राम कैसे बना सकते हैं आप लोग चित्र, एक चित्र ये होगा बहुत, ये है ना बहुत इजी है और फेमस है, ओके। और ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आपको दिखानी है, कोई भी जिसके प्रकार हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना, तो ऐसे मान लीजिए कि लोकतंत्र है, आप कोई भी है ना किसी प्रकार दिखा रहे हैं, तो लोकतंत्र है इस पर आपने किया है, ओके, इसको क्या कीजिए आप लोग, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लिखा हुआ लोकतंत्र, अब कैसे करना आपको, चाहे ऐसे कर दीजिए आप लोग, इसके जो पॉइंट हैं ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे कर दीजिए आप लोग, फिर इसके बाद जो पॉइंट हैं जो मेन पॉइंट हैं उसको लिख दीजिएगा कि
कि हाँ इसके बारे में जो भी सरकारें हैं कौन कौन सी हैं, केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार और स्थानीय। ओके, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ तो हो गया आपका, अब क्या है अब इसके बारे में बताइए। इसके बारे में आप लोग अब जो क्वेश्चन है वहाँ लिख दीजिएगा। एक तरीका आपका ये हो गया डायग्राम, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। लेकिन आप लोग है ना किसी पॉइंट को लिख रहे हैं तो उसको पहले उसका आप थोड़ा सा चित्र बना दीजिए, जिससे कि एक पेज कम से कम भर जाए चित्रों में। ऐसे ये वाला है तो देखो ये बहुत ईजी है और ये पूरे पेज लेगा, ये वाला पूरा पेज लेगा, जिससे लगे टीचर को लगेगा और टीचर बोर भी नहीं होगा। यहाँ यहाँ पहले इसको देखेगा, फिर यहाँ आएगा तो उसकी निगाह पहले यहाँ पर आएगी फिर यहाँ आएगी, तो क्या है उसको थोड़ा माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, है ना। तो है ना, फिर आपको नंबर अच्छे देके जाएगा टीचर वो। क्लियर, इस प्रकार से क्या है ये हो गया, हमारे तीन हो चुके हैं, एक गोले वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ऐसे क्या है, अगर आपको करना है ये आ गया, समझ लीजिए इसको मानते हैं कि कोई लीजिए कोई भी, जिससे कि आपको ये टॉपिक आपको लिखा हुआ। ओके, आपको ये टॉपिक लिखा हुआ तो करना क्या, आपको पहला पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, पहला पॉइंट कर दीजिए यहाँ से, फिर ऐसे ही अगला पॉइंट यहाँ से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। पहला पॉइंट ऐसे यहाँ से, फिर अगला पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरीके से। ओके, इस तरीके आप लोग कर दीजिएगा, जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ आ गया तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, और तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट, जैसे आपको पूरा है ना पूरा पेज भर जाएगा। देखो आपको करना कैसे, ये वाला मैं थोड़ा यहाँ लिख दूंगा, थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके देखो ऐसा आएगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन है ना मैं तो बता रहा था ये क्या है, इसकी सेंटेंस के टाइप हैं। ठीक है, सेंटेंस पाँच प्रकार के होते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, पहला यहाँ लिख देंगे आप लोग असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑपरेटिव। ओके, और करना क्या आपको, इसको बॉक्स में कर दिया जाता हो तो लो भैया। अब टीचर को है ना ये दोष दिखेंगे, ये टीचर को दूर से ही दिखेंगे ये कि हाँ भैया उसने अच्छे से बनाया, देखो है मस्त लग रहा है ये, ऐसे कैसे उसका आपको सारे सारे पॉइंट उस टीचर को दूर से दिखेंगे। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार के आप लोग कोई पॉइंट है आपको यहाँ कोई आपको लग रहा है कि लोकतंत्र है, या फिर कोई आप लोग है ना कोई साइंस में कोई टॉपिक लिख रहे हैं, किसी प्रवास लिख रहे हैं, जैसे ओम का नियम है, तो ओम का नियम देखो वो तो डेफिनेशन हो गई, या मतलब जो बायोलॉजी में होते जाता है इस प्रकार क्वेश्चन, तो वहाँ से आप लोग है ना ऐसा करके ये पॉइंट लिख के तो ये वाला कर सकते हैं। तरीका ये तरीका है ना, आपको ये पेज ले लेगा और अच्छा भी लग रहा है ये, है ना। तो इस प्रकार देखो ये और ये तो बेस्ट लग रहे हैं फिलहाल जो है, और देखते हैं आपका डायग्राम जो है, और भी देखते हैं आपका डायग्राम कि कैसे आप लोग डायग्राम को बना सकते हैं बोर्ड में। ओके, ये देख लीजिए आप लोग इसको डाल रहे हैं आप। आपके चार हो गए ना, गोले वाला हो गया, एक ये हो गया, और हाँ और देखते जरा और भी हैं बहुत सारे। अब मान लीजिए आपको अगर जो लोकतंत्र वाला है, हाँ ये देखो अभी टॉपिक है ना, ये टॉपिक देखो अभी कराया है तो ये अभी याद आ रहा है, ज़्यादातर ये याद आ रहा है, तो कैसे करना है इसको ये से कर लीजिए। तो क्या एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर यहाँ जो लिखेंगे केंद्र एक गोल बना दीजिए, राज्य एक गोल बना दीजिए, और एक गोल यहाँ पर स्थानीय, एक ये हो गया, इससे एक पेज बन, इससे एक पेज भर जाएगा है ना, ये सही लगेगा। ओके, इससे आप लोगों को ऐसे कर सकते हैं डायग्राम बना सकते हैं। ओके, क्लियर, ऐसे ही क्या है आप लोगों का। और देखते हैं आप लोगों में, देखो पांच छह प्रकार आप लोग बता दूंगा, आप लोग है ना कोई सा भी रट लीजिए और बना लीजिए, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को लेकर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर, ऐसे ही क्या है थोड़ा सा और थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं आपके, फिर आपके फिलहाल जो है इसमें से ही आपके पेज भर जाएंगे है ना, क्योंकि इनका प्रयोग मैंने किया है और है ना, और है ना अभी भी करता हूँ इनका प्रयोग में फिलहाल जो है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग, देखो वो हो गया हेडिंग वाला, जो हेडिंग हमें करना है हेडिंग को हमें वो तो हाईलाइट करना है, इस तरह आपको पॉइंट करना है कोई नहीं है उसमें। और हाँ स्केल, इसकी ये वाला आपका पेज है आपका। ओके, बच्चे हैं ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाँ से कुछ बच्चे हैं ना, हाँ मतलब कि आप लोग करना क्या है, आपका ये पेज मिला आपको कॉपी का, ये आपकी लाइनें लिखी हुई हैं, ओके
तो करना क्या आप लोगों को, आप लोग ऐसा ना करें कि जैसे कॉपी आई है ना, तो क्यों, क्योंकि देखो कॉपियां है ना, जब देखो कॉपी ऐसी होती हैं जब खोलते हैं ना तो कहीं पर जगह खाली रहती है, कहीं है ना कहीं जगह भर जाती है। तो करना क्या है हमें है ना कॉपी पर, करना क्या है स्केल से थोड़ी जगह छोड़ के स्केल से, यहाँ तो देखो यहाँ तो कॉपी चलेगी ना इस साइड पे, देखो यहाँ तक तो कम से कम है ना उस पर गोंद लगा हुआ, गोंद लगा हुआ या स्टेपलर से कॉपी चिपकी होगी, तो आप लोग है ना हाथों पर लोग, आप लोग हाथ लिख नहीं पाएंगे है ना। तो जहाँ तक गोंद लगा हुआ है, स्टेपलर लगा हुआ है, उससे थोड़ा आगे बढ़ के आप लोग इतना स्केल से कर दें, इतना ही आप लोग स्टार्ट कर दें, ओके, क्योंकि आप लोग पीछे से खोलेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी, तो इतना ही आप लोग यहाँ कर दें। इससे क्या होगा, और आपको इतना ही एरिया लिखना है। अब बताइए आप लोगों ने स्टाइल से यहाँ तक आप लोगों ने एरिया कम है ना, एरिया कम कर दिया, अब आप लोग जो भी लिखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ तक आएगा, तो आपको उतना नहीं लिखना पड़ेगा जितना आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ रहा था, उससे राइटिंग बेकार भी हो रहा था और दिक्कत भी हो रही थी। तो करना क्या है आप लोगों को स्केल से, या है ना आप लोग फास्ट लिख सकते हैं, आप लोग लाइन सीधे आ रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से पेज को मतलब कि स्केल से कर दीजिए कवर, जिससे कि थोड़ा सा आपको जगह, थोड़ी सी पेज की जगह आप लोग भर लीजिएगा। इससे कोई नंबर नहीं कटते, पहली चीज़ बता दूँ इससे नंबर नहीं कटते, मतलब कॉपियाँ ही अच्छी लगती हैं, आप लोग अगर स्केल से कर देंगे तो कॉपी आपकी अच्छी लगेगी। आपको जो भी लिखना है आपको आंसर वही लिखना है, ओके, और कोई भी आपको डायग्राम बनाना है तो वो आपको यही बनाना है। इस बीच में आपको हर पेज पर ये पहले कर लीजिएगा, आप लोग 15 मिनट आपको मिलते हैं कॉपी के चक्कर, आपको 15 मिनट मिलेंगे स्टार्टिंग में उसके पेपर पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आप लोग उसमें आप लोग ये जल्दी से फास्ट तरीके से ये वाला अच्छी आप लोग कर लीजिएगा, मतलब तो ये नहीं जो भी आपको जब भी आप करना है बस ये आपको स्केल कर लेना है, स्केल वाला करना है, जो भी आपको डायग्राम बनाना है उसके अंदर ही बनाना है आपको डायग्राम, ओके, क्लियर। तो ये आपको आपको ये स्किल वाला मैटर करना होगा तभी आपको अच्छे से हो पाएगा, तो इससे आपकी क्या होगी कॉपी थोड़ी भर जाएगी। कुल मिलाकर क्या है यहाँ देखो, बोर्ड में बच्चों कॉपी भरने के अच्छे नंबर मिलते हैं, आप लोग जो टॉपर कितने भी सही, अगर आप लोग है ना किसी क्वेश्चन को किसी उसकी अगर मान लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतने में लिख के आ गए, ये 3 लाइनों में लिख के आ गए, ये इसमें 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 भर के आ गए आप लोग, तो क्या होगा तो है ना टीचर आपको अच्छे नंबर देगा, अच्छे नंबर नहीं देगा, और आप लोग है ना उसकी डिमांड है यहाँ तक 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक आना है कम से कम, लेकिन आप लोग लिख के आ गए यहाँ तक है ना, यहाँ तो आप लोग लिख के आ गए, तो क्या हुआ टीचर को लगेगा कि हाँ भाई अच्छा भाई बच्चों को होशियार है, और आप लोगों ने चित्र बना दिया है ना, आप लोगों ने टीचर को समझा भी दिया डायग्राम देकर, और आप लोग लिख भी दिया, तो क्या हुआ देखो पेज है ना उसको समझ में आ गया, मतलब टीचर को समझ में भी आ गया और पेज भी भर गए आपके दो, तो आप लोग चाहें तो है ना एक पेज पर आप लोग पहले है ना उसका डायग्राम बना दें है ना, ये करके पहले उसका डायग्राम बना दें आप लोग, उसके बाद में जो भी है आप लोग अगले पेज पर वो लाइनों को लिख दें, क्लियर, बुलाने को जो लिख दें आराम से, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छा चेक हो जाएगा, क्लियर। एक पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो चुका है, अगला पॉइंट जो हमारा है बच्चों वो है टॉपिक, टॉपिक वाला पॉइंट जो है वो क्या है, इसलिए आप देख लीजिए आपको, आपको ये जरूर करना है, ये चीज़ आपको जरूर करनी है, वरना आपका राइटिंग थोड़ा है आपकी, आप जो लिखेंगे ना आपकी कहीं लाइन आपकी यहाँ हो जाएगी, कहीं लाइन आपकी यहाँ हो जाएगी, तो इससे आपकी लाइन आगे पीछे हो जाएंगी, और जिससे कि टीचर को है ना कॉपी चेक करने में मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्यों यहाँ पंच लगी हुई है, तो मैंने साइड से उठाएगा थोड़ी नहीं, कॉपी साइड से उठाएगा नहीं वो है ना, तो मुझे बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग पहले आप लोग स्किल कर लें जल्दी फास्ट तरीके से, मतलब स्किल से कॉपी को लाइन कर लें अंडरलाइन, अगला क्या है टॉपिक को, अगर आप किसी टॉपिक को लिख रहे हैं ओके, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा टॉपिक लिख रहे हैं, तो करना क्या है उस टॉपिक को भी ऐसा लिखिए कि दूर आपको दूर से टीचर को दिख जाए कि है ना बच्चे ने टॉपिक लिखा है, ऐसे मान लीजिए कि अगर आप MCQ कर रहे हैं डिस्कस, तो आपके MCQ आपका बड़े में लिखा होना चाहिए कि हाँ से MCQ हमारे शुरू हो गए हैं, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे शुरू हो चुके हैं, ओके ऑब्जेक्टिव, तो करना कैसे है यहाँ आपने ऐसा कर दीजिए इसको, आपको ऐसे मिलेगा MCQ आपको नहीं मिलेंगे शायद, ऐसे मिल MCQ तो आएंगे लेकिन वो आएंगे शायद ऑब्जेक्टिव नाम से आते हैं ऐसे, ओके, तो करना क्या आप लोगों को पहले आप है ना उसको थोड़ा बड़ा लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग जिसको आप 1 लाइन लिखते थे उसको आप 2 या 2 लाइन लिखेंगे कम से कम, 2 या 3 लाइन में कम से कम, ताकि टीचर दूर से दिखे कि है ना, और यहाँ तक जो है कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है, बच्चों ने वो टॉपिक को हल किया है, टॉपिक को मतलब टॉपिक को दिखाया गया है, ऐसे आप लोग इस तरीके से आप लोग उस टॉपिक को दिखा सकते हैं, ओके, तो करना क्या है इसमें देखो पहले आना है ना, पहले आना है क्या प्लस बन गया प्लस, फिर यहाँ पर दिला के फिर एक बार आना प्लस सामने इसके आमने सामने, ये चीज़ आपको करनी है, जैसे क्या हुआ आप लोग ऐसे भी इसको टॉपिक को दिखा सकते हैं, ओके, तो जैसे आप लोग अगर लघु वाले हैं, अगर लघु वाले हैं लघु क्वेश्चन वाले हैं, तो अगर आप ऐसे देखो जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो यहाँ से किया आप लोगों ने, तो इससे आप लोगों को देखो पहली चीज़ आपका है ना लगभग तीन, अगर आप लोगों ने 3 लाइन भरी हैं तो आप लोग 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे आंसर को, इससे आपका है ना आपका आपको आधा पेज आपका इससे भर जाएगा टॉपिक से ही पूरा क्वेश्चन तैयार करने से, ओके, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे आपको कोई टॉपिक है टॉपिक को आप लोग ऐसे सजा दें, जो भी देखो जो बड़ा बड़ा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन की डिमांड की गई है उसको आप दूर से दिखाएं टॉपिक को कि हमने इस टॉपिक को हल किया है, ओके,
तो बस इतना ही है आज की वीडियो में, और यहाँ तक आपको हो चुका है। तो बच्चों आप लोगों को डाउट ना हो तो आप पूछ लेना, और देखो कॉपी देखो अच्छा आपको कॉपी भर रही है। और देखो कुमार कहते हैं तो क्या कुल मिलाकर ये है कि टीचर को बिल्कुल भी जोर नहीं देना पड़े आपको कॉपी पढ़ने में, वो है ना जबरदस्ती अपने अपने चश्मे को ऊपर नीचे ना करे। अगर टीचर के आचर वीक है तो अपने है ना आज देखा कि हाँ भाई अच्छे ने लिखा क्या जूम करके नहीं देखा करके, है आपकी कॉपी खोली आपके जो डायग्राम बनाए हैं तो कॉपी देखा मस्त तरीके देखा और आपको नंबर देखते रहेगा अच्छे तरीके से, फिर आपसे थोड़ा लेके आए लेकिन आपको नंबर परफेक्ट मिलेंगे। ओके बच्चों आप लोग है ना अच्छे से लिखिए और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग कंटिन्यू लिखते रहिए, और आप लोग जो डाउट हैं वो लोग शेयर कीजिए, बस आप लोग एग्जाम में 80% लेकर आइए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो आएगी परसेंट पर, कि हम परसेंट को कैसे बढ़ाएं। ओके उसमें हम पॉइंट करेंगे क्लियर रहेंगे कि है ना कि कीवर्ड क्या होते हैं। ओके बच्चों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।